अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तो दोबारा शुरू हो गया, स्टडी रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है, मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों को घुमाने। अच्छा, के लिए घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बे साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछे, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके तेरी बात का जवाब दे रहा हूं तो तुझे मजाक सोच रहा है? ए अभी मैं सीरियस होकर दिखाता हूं, चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। कुंग फू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्या बे, इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? ये भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनो। मैं पहनूं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट। अरे ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला।
तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे, अरे कोई, अरे बाप रे, अरे बचाओ कोई तो, चोर 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 चोर, अरे जल्दी आओ, राम भर देखा हो। अरे ये कैसा चोर जो गुनगुनी कर रहा है, अरे भाई जल्दी आओ, चोर है, मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है, तेरी तो खैर नहीं आज, आ जा इधर, पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू, जल्दी चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है, अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम, नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है, अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है, चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो, कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ छोड़ो। छोड़ दूँ, हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूँ। अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। आप कह रहे इसको ढीला छोड़ दूं, मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। अरे पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा। अरे बेटी सोनिया, सोनिया, अरे बाप रे, अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचोली कैसे। मैं बताता हूँ, आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। आप ही समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई। चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी, आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोस, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है, पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे, तभी आप यहाँ आए। यानी प्यार हो गया उससे। प्यार हो गया, प्यार प्यार करते करते दिल। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे। मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए, या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ, आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उसे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है। चीटे से, सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मिल गया। ऐसे छुपा जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ, अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए। अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत, बड़ी गुदगुदी हो रही है, क्या है। शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगा रहे हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चींटे की नली। आ! चक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। संभल के बाबूजी, अपने मियां मिट्ठू बनना बंद करेंगे आप। सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिया। अरे ये सब मुझे मत बताएगा, हिसाब देना तो मेरा फर्ज है, मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए। ए संधि जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को?
हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुकुम है। ठीक है तो 10,000 दे दीजिए अपनी मूंछों को विलायती कलर से संवारने के लिए। हम आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर 10,000 ही दे दीजिए। कहे को मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए।